हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और अभी शाम के बज रहे 6:30। मेरे पास बताने के लिए दो न्यूज़ हैं जो कि काफ़ी लोगों को पहले से पता चल गया होगा, काफ़ी पहले से। मैं बहुत लेट न्यूज़ दे रहा हूँ बट फिर भी दे रहा हूँ। तो पहली न्यूज़ ये है, अच्छी न्यूज़, कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया है। एकदम झकास, मज़ा आ गया सुन के। सिर्फ टिकटॉक ने, मतलब टोटल में 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए हैं। और फिलहाल मतलब सबसे पहले टिकटॉक को ही बैन किया उन्होंने। मतलब अभी अगर किसी के पास टिकटॉक इंस्टॉल्ड है भी तो चलेगा नहीं वो, मतलब मेन इंजन बंद हो गया, नहीं चलने वाला। तो उसको डिलीट करने से ही रहेगा। अगर किसी के पास है भी तो भाई डिलीट कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। सो मज़ा आया सुन के। सुबह सुबह न्यूज़ मिला था मुझे ये फेसबुक में और व्हाट्सएप पे, मैंने देखा था काफ़ी लोगों के स्टेटस पे। तो सुबह ही बनाने का सोचा था व्लॉग, लेकिन अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क की लगी हुई थी। मतलब मैं फ़ोन से अपलोड करता हूँ, जियो से, मोबाइल डेटा से अपलोड करता हूँ। तो पाँच छः दिन हो गए, मतलब नेटवर्क सही नहीं चल रहा बिल्कुल भी, ना अपलोड हो रहा है ना डाउनलोड हो रहा है, मतलब यूट्यूब छोड़ के कुछ नहीं चल रहा, लुल मतलब एकदम। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले नेटवर्क सही हुआ, मैंने देखा चल रहे चीज़ें चल रहे, तो सोचा मैं बना लेता हूँ। मतलब लेट हो गया बट फिर भी डाल देते हैं ना, क्या जाता है किसी का डेटा ही तो जाएगा मेरा, है कि नहीं। तो ये था, अच्छा हुआ एक तरीके से, मतलब कुछ लोगों के लिए बुरा भी हुआ। मतलब जिन लोगों का टैलेंट है उनके लिए बुरा हुआ, मतलब वो टैलेंट दिखा रहे थे अपना, मतलब उससे पैसा भी अर्न कर रहे थे कुछ लोग, उनके लिए बुरा हुआ। बट कोई नहीं है, इतना भी बुरा नहीं हुआ। दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहाँ पर जाके वो दिखा सकते हैं, वहाँ पर भी अर्न कर सकते हैं। तो इतना भी बुरा नहीं हुआ, मतलब ठीक ही है। लेकिन उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो बेफालतू के वीडियोज़ बनाते हैं, फालतू एकदम आँख से खून निकलने वाले, कान से खून निकलने वाले वीडियोज़ बनाते हैं जो, उन लोगों के लिए अच्छा हुआ। अब थोड़ा ढंग के काम करेंगे शायद वो लोग, है ना। तो ये हो गया, दिस इज द थिंग। और क्या बताऊँ, दो न्यूज़ बोले थे मैंने, हाँ लॉकडाउन लग गया फिर से हमारा। मेघालय गवर्नमेंट ने मतलब बॉर्डर एरियाज पे, मतलब बॉर्डर जो आसाम से कनेक्ट होते हैं, उन बॉर्डर एरियाज को लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन लग गया उन एरियाज पे, और उन एरियाज पे हमारा एरिया भी आता है तो हमारे पे लग गया। मतलब कौन सी जगह थी, एक हमारा ये जो हम जहाँ रहते हैं ये बर्नियाड एरिया, उसके बाद जोराबट, उसके बाद नॉर्मल, और आई थिंक खानापुरा था। तो अभी कब खुलेगा ये फिर पता नहीं, कितना दिन चलेगा। वैसे ही बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, और अब ये फिर से लॉकडाउन, तो क्या होगा अभी पता नहीं, देखते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही बताना था मुझे, और कुछ बताने को है नहीं, अंधेरा हो गया है बहुत। तो जो भी था यही था, छोटा सा बोरिंग सा, और काफ़ी लेट न्यूज़ दिया मैंने, नहीं देने वाला था बट दे दिया, नेटवर्क आ गया।
अच्छा हुआ नेटवर्क, ये तो लग जाते मेरे, बोर हो जाता ना बैठ बैठ के। दैट वॉज इट, ख़त्म करते। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ इट डी, आई होप सेफ रहे बाहर ना निकले। उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो यहाँ रहते हैं, नहीं तो पुलिस फिर से बजाएगी सबकी, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर बना तो यार थोड़ा नहीं दिख रहा। चलो। बाल बहुत लंबे हो यार, क्या हो गया, कब का तुम हल तो हो गया, जंगल हो गया, घोसला हो गया। ओके ओके बाय।